हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज का इस वीडियो एपिसोड में हम बताएंगे जो बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रतियोगि प्रवेश परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है फिजिक्स सेक्शन से वो हम इस वीडियो एपिसोड में बताएंगे तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक को प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल ऑन करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि दोस्तों को भी फायदा हो अगर आप यूपी भी हो या झारखंड पॉलिटेक्निक तो आप जरूर इसको वॉच करें क्योंकि टेक्निकल के एग्ज़ाम एक ही जैसा होता है तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर जो पहला है कि वायु में प्रकाश प्रकाश की चाल तीन गुणे दस के पावर एट मीटर पर सेकेंड है अपवर्तनांक दिया है तो प्रकाश की चाल होगा क्या देखिए माध्यम में जो प्रकाश का माध्यम में जो प्रकाश का चाल बराबर चाल होता है वो होता है प्रकाश की प्रकाश प्रकाश की चाल बट्टा तो प्रकाश के चाल कितना दिया है तीन गुने दस के पावर आठ मीटर पर सेकेंड अपवर्तनांक वन पॉइंट फाइव है आप इसको काटिएगा तो यहाँ पर ऊपर दस दस डी का पॉइंट टूट जाएगा यहाँ सोगा दस, थीन से होगा पाँच धूनी दस पाँच तीन पंद्रह तीन से तीन कैंसिल तो यहाँ पर आएगा दो गुने दस के पावर आठ मीटर पर सेकेंड तो आपको आंसर हो जाएगा बी क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा चलिए आंसर बी अब क्वेश्चन नंबर दो की ओर पढ़ते हैं क्वेश्चन दो देखिए किस रंग में प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बराबर आता है आपको कंफ्यूजन नहीं होना है अगर आपसे प्रकीर्णन पूछेगा तो सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर बैगनी होगा प्रकीर्णन बैगनी का सबसे ज्यादा होता है अगर आपसे पूछ दिया तरैंग धर तो वो लाल का होगा लेकिन पूछा है प्रकीर्णन तो बैग्नी होगा तो समझ गए चलिए याद करना याद करिएगा इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर थ्री है किसी पिंड का दरमान दुगुना यानी एम एम डैश दोगुना कर दिया और तथा वेग उसको वेग जो आधा कर दिया वी डैश यानी आधा कर दिया यानी वी बाई टू कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वन बाई टू एम वी स्क्वायर होता है ना तो एम के मान यहाँ पर दो एम रखिएगा वी के स्क्वायर तो वन बाई फोर तो इसको जब जब ज़़। आप सोल्व कीजिएगा तो आधी होता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन है फ्यूज का तार का गलांक क्या है देखिए फ्यूज का जो तार का घनाक होता है क्या होता है बहुत ही कम होता है ताकि ज्यादा ज़्यादा करंट आए तो वो गल सके इसलिए जो सबसे ज्यादा घना किसका कम होता है टंगस्टन का क्या चीज़ का होता है टंगस्टन तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट चलिए क्वेश्चन नंबर आगरा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है कि एक विद्युत बल्ब बारह वोल्ट साठ वाट का है तो इसमें धारा क्या होगा आई पूछा है करेंट पूछा है तो फार्मूला होता है पी बराबर भी आई हमसे आई निकाल लीजिए पी बटा भी पी कितना है साठ बारह कितना आई दिया है आई यह है बारह भी तो बारह पंच साठ आंसर पाँच एम्पियर आई बराबर कितना हो जाएगा आपको पाँच एम्पियर क्वेश्चन नंबर छः की ओर बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन छः है जी रिखिये प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है तो ये आपको याद करना पड़ेगा डिग्री सी माइनस ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचाती है जो सूर्य का जो प्रकाश का जो ऊर्जा है पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचाया जा जाता है वो विकिरण रेडिएशन के द्वारा पहुंचाया जा जाता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ एक मनुष्य दर्पण से तीन मीटर से गति से दौड़ रहा है वो अपने प्रतिबिंब से किस वेग से दूर भाग रहा है वह तो आपको डायरेक्ट इसमें जो फार्मूला लगेगा टू भी टू भी यानी टू गुने थ्री यानी सिक्स मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नौ की ओर बढ़ते हैं इसमें से आपको पूछा निम्न में से कौन सदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटीज वो है विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र अगला क्वेश्चन है दस नंबर है किस किसी दूसौ मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को उदवाधार के ऊपर के बीस मीटर से चा चाल से परिचित करने पर पृथ्वी से टकराता है समय उसकी चाल क्या होगा तो जो जो दस का जो है देखिए यू तो इसमें माइनस हो जाएगा और इसमें अब फॉर्मूला जो आप लगाइएगा ऊँची तो दिया है तो भी स्क्वायर बबड़ा यू स्क्वायर माइनस टू जी एच भाई भी का मान आप तो भी के मान यहाँ पर जो, जो भी के मान दिया है वो माइनस बीस यू का मान रखिएगा टू और जब तक जी के मान नाइन पॉइंट एट नहीं देगा तब तक हम यूज़ करेंगे टेन यूज करेंगे टेन यूज करेगा एच दो सौ दिया गया है आपको यूज़ करके यहाँ पर इसको जो फार्मूला में रखिएगा तो आपको आएगा छियासठ पॉइंट थ्री थ्री आएगा रूट में कीजिएगा तो इसको हम ले सकते हैं माने इसको च, इसको हम लिख सकते हैं साठ तो साठ मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमें डेढ़ सौ किलोग्राम की एक तोप से पंद पंद्रह डेढ़ ग्राम का एक गोला दागा जाता है तो साठ मीटर के बेग से न, निकलता है तो तोप के पीछे हटने का बेग याद कीजिए जो ग्यारह नंबर जो है संवेक संरक्षण का नियम है तो संव्य संरक्षण का जो नियम है यानी डेढ़ सौ यू प्लस डेढ़ पॉइंट डेढ़ किलोग्राम कितना है डेढ़ किलोग्राम गुने साठ साठक्ल टू जीरो अब इसको सोल्व कर लीजिए यू के जो मान आएगा उसको आप जीरो पॉइंट जी, जी जीरो पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर सी सही क्वेश्चन नंबर बारह देखिए बार निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल का को बताता है ये बताता है फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन जो है चित्र ए और बी में बीच तुलां प्रतिरोध के अंदर आपको फिगर देखकर आपको देख लेना है ये श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम है ये जो है समानांतर क्रम में क्या चीज़ में समानांतर समानांतर फर्म का फार्मूला होता है आर वन बट आर वन आर वन प्लस आर टू तो यहाँ पर रखिएगा एक बाई दो प्लस एक बाई दो भिन्न के जोड़ कीजिएगा एक ओम आएगा कितना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं देखिए चौदह है दो मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को बारह वोल्ट साथ साथ जोड़ने से तीन पॉइंट पाँच इम धारा प्रवाहित होती है तार में ऊर्जा ज्ञात कीजिए देखिए तार में ऊर्जा निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको आता है वो ऊर्जा ज्ञात कीजिए के लिए तो सबसे देखिए तो यहाँ पर जो भी आई इंटू टी भी दिया है आपको बारह वोल्ट आई दिया है तीन पॉइंट पांच और मिनट दिया है टू जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको होगा पचास चालीस जूल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर जो पंद्रह है पंद्रह है कि एक व्यक्ति नब्बे सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है तो वस्तु को तीस सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए उसे जिस शक्ति का परि प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए तो ये इसके लिए जो फार्मूला है हम बता देते वन बाई एफ द्वारा वन वन बाई भी माइनस वन बाई यू तो यू तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ दे दिया है यू दे दिया है माइनस नाइन नब्बे सेंटीमीटर और भी दे दिया है तीस सेंटीमीटर तो आपको एफ एफ निकल जाएगा जो एफ जो एफ निकलेगा आपको चार पॉइंट पैंतालीस डाओप्टर और उसके बाद जो आप जो आप जो फोकस जब निकालिएगा तो वहाँ पर टू पॉइंट टू टू आएगा ऑप्शन तो नंबर सी आपको सही हो जाएगा अगला है क्वेश्चन नंबर सोलह जो सोलह नंबर क्वेश्चन है थोड़ा देखिए सोलह नंबर क्वेश्चन न्यून में से कौन सा वेग और समय के ग्राफ एक समान गति का प्रदर्शित करता है ये करता A, है ए वी और टी जहाँ ए जीरो है देखिए क्वेश्चन नंबर सत्रह देखिए सत्रह की पाँच सौ किलोग्राम की एक क्रेन छत्तीस किलोमीटर घंटा की वेग से पचास मीटर तिरजा से मूर्ति है तो अभी केंद्रीय बल क्या होगा तो जो कुछ अभी केंद्रीय बल क्या होगा तो सत्रह जो सत्रह नंबर का जो आंसर हो जाएगा एफ बराबरा एम भी स्क्वायर बाई आर एम आपको दिया है यहाँ पर जो एम दिया है पाँच सौ आपको दिया है B भी यहाँ पर दिया है आपको जो एक जो पचास किलोमीटर यानी भी जो आपको जो दिया है एक सौ मीटर से यहाँ पर एक सौ मीटर से टकराता है तो इसको आप यूज कीजिएगा तो जो सोल्व करके आएगा एक हज़ार न्यूटन आप अप, ऑप्शन नंबर बीस सही हो जाएगा देखिए क्वेश्चन नंबर अठारह अठारह में आपको है एक सौ साठ मीटर तिरजा वाले एवक मार्ग पर सौ मीटर से चाल से गति करती है तो मोटरसाइकिल के तुरंत तो ज्ञात कीजिए डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा ए बोरा वी स्क्वायर बाई आर वी स्क्वायर आपको कितना दिया है यहाँ पर चार सौ दिया है चाल और बट्टर नीचे एक सौ साठ इसको होल स्क्वायर सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा वन किलोमीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर डी सही है देखिए उन्नीस नंबर क्वेश्चन है एक मनुष्य नौ सौ नब्बे मीटर दूर इस सिटी ध्वनि सुनकर वो घड़ी मिलाता है उसकी घड़ी में कितने दोष रहेगा कि हवा में ध्वनि का वेग दिया हुआ है तो डायरेक्ट टी वाला फॉर्मूला लगाइएगा डी बाय भी डी आपको दिया है नौ सौ नब्बे बाय तीन सौ तीस काटिएगा तीन सेकेंड तो तीन सेकेंड क्या सुस्त देखती है बीस सही हो जाएगा बीस नंबर क्वेश्चन सिल्कन क्या है सिलकन एक अर्धचालक है आपको याद करना है सिल्कन क्या है एक अर्धचालक है अगला इक्कीस नंबर जो क्वेश्चन है जो इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखिए यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दुगुना कर दिया जाए तो सतह पर क्षेत्रफल के आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाप में कितना गुना होगा देखिए जो पी बराबरा यहाँ पर प्रारंभिक जो P बराबर जो जो बल होता है माने दाब का फॉर्मूला P फोर्स बाय एरिया तो यहाँ पर फोर्स को दुगुना कर दिया रहा है एरिया को कर दिया गया अधिया ए बाई टू जब इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर चरगुना चार दाब के बराबर चरगुना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बाईस बाईस के तो डायरेक्ट दो समान वेक्टर यानी पी बराबरा क्यू हो गया तो फार्मूला लगा दीजिए आर बरा पी स्क्र प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी की क्वेश्चन डेटा पी क्यू हो जाएगा कॉमन कर लीजिएगा तो एक सौ अस्सी डिग्री ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सोल्व कीजिएगा एक सौ अस्सी डिग्री आ जाएगा इसको देखिए क्वेश्चन नंबर तेईस है छः सौ किलोग्राम में 300 के डिग्री से अस्सी डिग्री तक गर्म करने के लिए आवश्यक उष्मा गैलोरी की ज्ञात कीजिए तो इसमें जो करना है जो आपको जो तेईस नंबर जो क्वेश्चन है ये इसके लिए जो फार्मूला आता है ठीटा स्क्वल टू एम एम गुने एस गुण डेल्टा टी यानी 600 सौ गुणे छः सौ गुणे एक अस्सी माइनस तीस जब सोल्व करके लाया गया था आएगा आपको तीन यानी जो आएगा तीस हज़ार कैलोरी ऑप्शन नंबर बीस सही हो जाएगा चौबीस नंबर है कि सरल लोलक में जब विस्थापन आयम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है उसमें क्या होता है तो ये जो आपको चौबीस नंबर जो हो जाएगा बीस शून्य हो जाएगा अगला है पच्चीस नंबर क्वेश्चन है जमीन पर एक व्यक्ति के एक जेट विमान के अपने अपने सिर के ठीक ऊपर देखता है जब विमान उद्वरदार के साथ तीस डिग्री के कोण व्यक्ति की आंख पर बनाता है तो जब ध्वनि सुनाई देगी ध्वनि का बेग भी होती तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं इसका यहाँ पर आएगा वी वाई रूट थ्री तो इनमें से ये कोई नहीं होगा अगला है देखिए छब्बीस नंबर क्वेश्चन है किसी घर में प्रतिदिन साठ वाट की दो ट्यूब चार घंटे जलती है तथा एक सौ वाट के तीन बल्ब पाँच घंटे बस देखिए साठ वाट के बल्ब दो ट्यूब जलता है कितना चार घंटा बट्टा हजार किलो वाट फिर प्लस एक सौ वाट के बल तीन गुने प्लस पाँच घंटा जलता है बट्टा एक हज़ार जो जोड़ जड़ के आपको आएगा जो निकलेगा यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो निक, जो इसको सॉल्व करके लाइएगा जो ऑप्शन आएगा एक पॉइंट डेढ़ किलोमीटर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा अगला सत्ताईस नंबर जो क्वेश्चन है देखिए सत्ताईस नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी धातु के विशिष्ट प्रतिरोध इतना है इतना चौवालीस गुण इतना ओम है इस धातु को एक मीटर लंबी और एक मीटर व्यास वाले तार को प्रतिरोध कितना होगा ये जो आपको जो सोल्व करके आएगा आपको जी जीरो पॉइंट फाइव सिक्स ओम आएगा अगला अट्ठाइस नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है जब क्रांति कोण से कम हो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा तीस नंबर उनतीस नंबर क्वेश्चन एक बर्फ का बर्फ का आयतन घन जीरो पर नाइन जल में तैरते समय बर्फ का शिला का जो भाग जल में डूबा हुआ है वो नौ बाई दस हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डायरेक्ट डी मार देना है अगला है क्वेश्चन नंबर कि यदि किसी गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग में क्या हो जाएगा जब जब गतिज ऊर्जा जब आप इसको कर दिया जाए कितना चरगुनी कर दिया जाए तो ये हो जाएगा दुगुनी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपको ये पहला सेट हम कर दिए सोल्व अगर आप मेरे कुछ भी इसमें समझ में आप आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए बेल ऑन जरूर करें और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें एंड थैंक यू